अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम यही चाहती है ना, रहो यहां पे। तुम्हारे पापा जितनी हैसियत तो नहीं है मेरी, लेकिन इतनी सुख सुविधा है यहाँ पे कि तुम्हें तुम्हारे पापा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी दुनिया हमें ताने मारती है, पर पापा के साथ हमें रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ता। पर जब आप ऐसी बातें करते तब हमें दुख होता है। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें ला दूंगा। लेकिन ये तकलीफ, ये दर्द, ये अपनेपन की बातें कर अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा तो कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरे सपने, मेरा सब कुछ तहस नहस हो गया। अम्मा जी, देवर जी का ये रूप पहली बार देख रहे हैं, एकदम शोला है शोला। हमने सब कुछ खो दिया है, अब आपका विश्वास नहीं खो सकते। हम जा रहे गौशाला में रहने। तुम्हें क्या लगता कि तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनकर मैं तुमको सच्ची मान लूंगा और अपनी माँ को झूठी, उस माँ को जिसने अपनी ऊंची सोच और अपने सच्चे संस्कारों से मुझे सींच के बड़ा किया। मैं जानता हूं एक गलती हुई है मुझसे, जब तुम पैदा हुई थी ना तब मैंने तुमसे एक रिश्ता जोड़ा था। आचिन, मैं तुम्हारा दोस्त निहार और तुम बोली। आज वही रिश्ता मुझे मुझ पे भारी पड़ गया। काश काश मैं भी औरों की तरह उस दिन तुमसे मुंह फेर के चला गया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपको हमें जो सजा देनी है वो दे दीजिए, पर जिंदगी से निकाल देने की बात मत कीजिए। आप सिर्फ दोस्त नहीं, हमारे पति हैं। आपके नाम का सिंदूर हम हमारी मांग में भरते हैं, इसलिए जो जो हमारा रिश्ता जुड़ा है वो ना हम जीते जी तोड़ सकते हैं और ना मर के। और जहां तक बात रही झूठ बोलने की, तो आपसे बेहतर पॉली को और कौन समझ सकता है। पॉली बिना सोचे समझे बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है, पर झूठ नहीं बोलती। फिर झूठ तुम भोलेनाथ की झूठी कसम खाती हो, भगवान के नाम पर झूठ बोलती हो। तुम तो मुझसे क्या सच बोलोगी।
पैसों की तो बहुत जरूरत होगी तुम्हें, उठा लो। आप तो जानती हैं समधन जी, जब हम आपके यहाँ नौकरी करते थे तब हम गिरे हुए पैसे नहीं उठाते थे, पर पता तो चले कि आपकी जरूरत का है। पचास हजार है और ये हर महीने मिलते रह सकते हैं। चारे जमाना, छोटी माँ का ऐसा रूप हम पहली बार देख रहे हैं। आपके दिमाग में चल कर आए समधन जी? समधन जी, हम औरतों को और क्या चाहिए? छुटकारा। तुम्हें मौली से छुटकारा चाहिए और मुझे भी। जो भी करना है करो, मौली चाहे जहन्नुम में जाए पर इस गांव में ना रह पाए। अरे, नेक काम की नकदी भी मिले, और इससे अच्छा काम हो सकता है सुंदर? पर हम समझ गए कि आपको मौली से छुटकारा काहे चाहिए। लंका में विभीषण था ये तो हम सुने थे, पर अयोध्या में भी विभीषण होगा ये हम नहीं सोचे थे। प्रणाम समधन जी। बिहान को कहीं देखा है क्या? कहाँ चले गई है? पाँव पर चोट लगी और चप्पल भी नहीं पहनी। बिहान! बिहान! हम जानते तुम गुस्से में कुछ भी बोल जाते हो, पर तुम दिल से ऐसे नहीं है। अगर अब भी गुस्सा बचा है तो घर चल के हमें डांट लो, पर प्लीज दवा लगाने दो। बैठो बैठो, वरना हम पहले वाली मौली बन जाएंगे। मौली, आगे से आप पर कितना भी गुस्सा है तो निकाल लीजिएगा, पर ऐसे नंगे पाँव कहीं भी मत जाया कीजिए। देखिए मस्त मौली सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।